नमस्कार दोस्तों, साहित्य मंच में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार भक्ता आज आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूँ सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका महादेवी वर्मा की एक बहुत ही सुंदर सी रचना है, जो तुम आ जाते एक बार। महादेवी वर्मा एक छायावादी कवित्री हैं, उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा की कविताओं में स्त्री की भावनाओं और उसकी वेदना का बहुत ही सुंदर वर्णन रहता है। उनकी कविताएं जैसे मैं नीर भरी दुखी बदली या मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इन कविताओं को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको उनमें एक स्त्री की भावनाओं, उसकी वेदना की अनुभूति मिलती है। कुछ इसी तरह की भावनाएं इस कविता में भी हैं। यह कविता महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह निहार में संकलित है। इस कविता में भी महादेवी वर्मा ने एक अज्ञात पिया को संबोधित करते हुए विरह में डूबी हुई एक स्त्री की भावनाओं का वर्णन किया है कि कैसे एक स्त्री अपने प्रिय के प्रतीक्षा में उसके पथ को निहारते रहती है, उसके पथ पर अपने पलक पावड़े बिछाए रहती है। तो आइए चलिए हम लोग प्रस्तुत करते हैं जो तुम आ जाते एक बार। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते वे पथ पखार, आंसू लेते वे पथ पखार, जो तुम आ जाते एक बार। हंस उठते पल में आद्र नयन, हंस उठते पल में आद्र नयन, धुल जाता होठों से विषाद, छा जाता जीवन में बसंत, लुट जाता चिर संचित विराग, आंखें देती सर्वस्ववार, आंखें देती सर्वस्ववार, जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार। यह कविता आपको कैसी लगी? कृपया अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि भविष्य में आने वाली प्रस्तुतियाँ आपको बिना किसी बाधा के मिलती रहें। धन्यवाद।